बच्चों, आज हम ऊंट और सियार की कहानी सुनेंगे। एक जंगल में ऊंट और सियार दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे। दोनों एक साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, साथ में आराम भी करते थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे तो ऊंट ने कहा, दोस्त, हमने सुना है कि नदी के उस पार गन्ने का बहुत बड़ा खेत है, तो हम लोग किसी दिन वहाँ पर गन्ने खाने चलेंगे। तो सियार ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी दिन क्यों, कल ही क्यों ना चलें, आज तो शाम हो गई है, रात होने वाली है, अब हम लोग सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों दोस्त जल्दी उठ के चलने के लिए तैयार हो गए और फिर चलते चलते जब आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी तो बहुत बड़ी है, अब नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो सियार ने कहा, दोस्त, मुझे तो तैरना नहीं आता है, मैं नदी कैसे पार करूँगा। तो ऊँट ने कहा, अरे तुम परेशान नहीं हो, मुझे तो तैरना आता है, तुम मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें लेकर नदी बड़े आराम से पार कर लूँगा। तो सियार बड़ा खुश हो गया, वो उसकी पीठ पे बैठ गया, दोनों ने नदी पार कर ली। फिर दोनों दोस्त नदी पार करके गन्ने के खेत में पहुँच गए। जब उन्होंने देखा गन्ने के खेत में गन्ने तो बहुत मोटे मोटे लगे हुए हैं, तो दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। फिर दोनों ने कहा, चलो जल्दी जल्दी गन्ने खा लेते हैं। तो उन्होंने गन्ने खाना शुरू कर दिए। सियार ने जल्दी जल्दी गन्ने खा करके अपना पेट तो भर लिया। अब जब उसका पेट भर गया तो उसको जमाई आने लगी। तो जब उसको जमाई आती है तो हुआ हुआ की आवाज़ निकालता है। तो उसने ऊँट से कहा, अब तो मुझे हुआ हुआ करने का मन हो रहा है। तो ऊँट ने कहा, दोस्त, अभी थोड़ा रुक जाओ, मुझे तो अपना पेट भर लेने दो, फिर तुम हुआ हुआ कर लेना। लेकिन सियार नहीं माना और वो ज़ोर ज़ोर से हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। तो सियार की आवाज़ सुन के किसान दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि हमारे खेत में कोई गन्ने खा रहा है। तो जैसे ही आहट मिली तो सियार तो बहुत ज़ोर से वहाँ से भाग लिया। लेकिन बेचारा ऊँट ना तो उसका पेट भर पाया, ना जल्दी से भाग पाया। तो किसान ने ऊँट को पकड़ के खूब डंडों से मारा और कहा, अब जल्दी यहाँ पर नहीं आना। ऊँट ने सियार से कहा कि दोस्त, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे अकेला पिटने के लिए छोड़ दिया और तुमसे मैं मना कर रहा था कि तुम हुआ हुआ की आवाज़ ना करो, मैं भाग नहीं पाया तो किसान ने मुझे पकड़ लिया, तो देखो मुझे कितनी पिटाई लगी है। तो उस पर सियार बोला, अरे मैं क्या करूं, मेरी आदत ही है खाना खाने के बाद मैं हुआ हुआ की आवाज़ करता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने हुआ हुआ कर दिया। अब ऊँट और सियार फिर से वापस अपने घर आने के लिए तैयार हुए। घर आने के लिए फिर से उन्हें नदी पार करना थी। तो सियार ने कहा, मुझे तो तैरना नहीं आता है, अब मैं वापस घर कैसे आऊँगा। तो ऊँट ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुँचा लूँगा। तो सियार उसकी पीठ पे बैठ गया। जब ऊँट नदी के बीचों बीच पहुँचा तो उसको एक सूझ आई। उसने सोचा, सियार को हम सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो उसने सियार से कहा, दोस्त, मुझे तो अब नहाने का मन हो रहा है, अब तुम तैर के उस तरफ चले जाओ, मैं नहा करके आऊँगा। तो सियार ने कहा, अरे दोस्त, तुम तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊँगा, और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करो। तो
ऊँट ने कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर मैं तुमको ऐसी मुसीबत में छोड़ दूँ तो बताओ तुम्हारा क्या होगा? तो सियार समझ गया कि हाँ, उसने गलत किया था। तो सियार ने ऊँट से माफ़ी मांगी, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ऊँट ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हें बस सबक सिखाने के लिए ही हमने बोला था, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ दूँ। तो अब सियार और ऊँट दोनों नदी पार करके घर वापस आ गए और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें भी उठाना पड़ेगा।